विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 27 फरवरी को प्रयागराज में मतदान हुआ। लगभग सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। प्रयागराज विधानसभा में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें लेकर अभी समाजवादी और भाजपा ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन कौसाम्बी के सिराथू सीट से भाजपा ने उप मुख्यमंत्री को प्रत्याशी घोषित किया और शनिवार को केशव प्रसाद मौर्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू पर पहुँचे और जनता से मिले। उसी दौरान जब वह अपने विधानसभा में पहुँचे तो राजीव मौर, जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में पिछले 3 दिनों से वह गायब है, उनके घर पहुँचने की कोशिश किया। जैसे ही गुलामीपुर गांव में वह पहुँचे, वैसे ही महिलाओं ने उन्हें पीड़ित के घर में घुसने नहीं दिया और चारों तरफ से घेर लिया। काफ़ी देर बातचीत होने के बावजूद डिप्टी सीएम पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द पुलिस प्रशासन उनके पति को ढूंढ निकालेगी। चारों तरफ महिलाओं से घिरे हुए उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को समझाने की कोशिश किया, लेकिन महिलाओं ने उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और जिसमें वीडियो में यह आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही है। चारों तरफ से घिरे डिप्टी सीएम लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था ने पब्लिक को हटाया, फिर वहाँ से वो रवाना हुए।